अगर आप फैमिली ड्रामा टाइप ऐसी सब मूवीज देखना पसंद करते हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ना कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी जिसका नाम है नेमर। ये मूवी मैंने देखी, मूवी है ना मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में, एंटरटेनिंग है। कहानी भी इस मूवी की अच्छी लगी मुझे। कहानी है ना कुछ ऐसी बताई गई है कि एक है ना मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, उसको है ना एक बहुत बड़े घर की लड़की से ना प्यार हो जाता है, पर वो लड़की है ना डॉग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसको पेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसके पास खुद के पास भी एक डॉग है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये लड़के का जो दोस्त है ना वो बोलता है कि तेरे को अगर उसको प्रपोज करना है ना तो तुझे एक डॉग खरीदना होगा, तो वो डॉग को उसको पसंद आएंगे ना तो वो तुझसे भी बातचीत करने लगेगी, तो फिर ऐसे करके तू उससे ना प्रपोज कर सकता है उसको। तो ऐसे सब इसका सल्यूशन बताता है ना, तो वो लड़का घर पे जाके बताता है कि मुझे एक डॉग चाहिए, पर रीज़न नहीं बताता सही कि क्यों चाहिए। तो रीज़न ये बताता है घर पे जाके कि डॉग जिस घर में रहता है उस घर में चोरी नहीं होती, डॉग बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसे सब रीज़न देता है, पर कोई भी घर पे मानता नहीं है। पर इस लड़के की जो माँ रहती है ना वो मान जाती है और बोलती है कि मैं तेरे को एड्रेस दे रही हूँ, यहाँ पे जाके ना तेरे को डॉग मिल जाएगा। तो वहाँ जाके ना इसको नेमर नाम का एक डॉग मिलता है, उसको लेके आ जाता है ये घर पे। पर कुछ दिन बीत जाते हैं ना तो वो डॉग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इनके घर में, मतलब कि वो डॉग है ना थोड़ा परेशान करने लगता है मोहल्ले वालों को, इस वजह से ना पुलिस कंप्लेंट तक बात चली जाती है। और वो लड़के का जो बाप है ना उसको बोलते रहते हैं कि तेरे डॉग को संभाल के रखो, ये हमको परेशान कर रहा है। वो नेमर जो डॉग है ना वो किसी की अंगूठी भी सटक लेता है सोने की, तो ऐसे पुलिस कंप्लेंट तक बात चली जाती है ना। तो फिर वो जो लड़के का बाप है वो डॉग को है ना किसी को तो बेच देता है और बोलता है कि इसको कहेंगे ना छोड़ के आ जा दूर, पर यहाँ पे मत रख, यहाँ मेरे बेटे के पास नहीं रहना चाहिए डॉग। तो जब उसके बेटे को पता चलता है ना कि मेरे पापा ने ऐसे सब बेच दिया है मेरे डॉग को, तो वो जाता है पता करता है कि मेरा डॉग कहाँ है नेमर। तो पता चलता है ना तो उसका डॉग पौंडीचेरी में रहता है। तो ये लड़का है ना अपने दोस्त के साथ पौंडीचेरी चला जाता है, फिर वहां जाके अपने डॉग को ढूंढता है, तो पता चलता है कि इसका डॉग ना किसी बहुत बड़े गुंडे के पास है। अब वो गुंडे के पास जाता है ना तो वो गुंडे ने ना ये नेमर को कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया है, मतलब एक बहुत बड़ा डॉग का कंपटीशन होने वाला है उसमें नेमर को पार्टिसिपेट कराया है, तो वो जीतना चाहता है, ये बहुत बड़ा जो गुंडा है ना वो कंपटीशन जीतना चाहता है ये डॉग का। तो इसी ऐसी सब कहानी बताई गई है कि वो लड़के को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने डॉग को हासिल करने के लिए, क्या क्या मुश्किलें आती हैं उसके सामने। और क्लाइमैक्स की बात करूँ मूवी की एंडिंग की, तो मूवी की एंडिंग में नेमर जो डॉग है ना वो जिस कंपटीशन में भाग लेता है वो कंपटीशन जीत जाता है, और फिर वो जो गुंडा है ना वो भी है ना डॉग को सौंप देता है वो लड़के को कि मुझे बस ये कंपटीशन जीतवाना था, तो इस वजह से मुझे तुम्हारा डॉग चाहिए था, तुम्हारा डॉग बहुत अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग भी देता है वो गुंडा नेमर को। तो ऐसी पूरी कहानी बताई गई है, एक अच्छी फैमिली ड्रामा टाइप मूवी है, कुछ कुछ कॉमेडी के सीन्स भी है मूवी में, आपको देखने में एकदम मज़ा आएगा। अगर आपने नेमर मूवी देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। नहीं देखी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुकी है, हिंदी डबिंग में है और 3-4 भाषा में डब करी है, देख के कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। और फैमिली के साथ बैठ के देखना, फैमिली को भी ये बहुत मज़ा आएगा ये मूवी देखने के लिए।